तो गाइस अभी निकलने का टाइम हो गया है भाई। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं राजस्थान में हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं मनाली घूम रहा हूँ। गाइस अभी चल रहे हैं फोर्ट पे, और फोर्ट पे चल के फिर आपको मिलते हैं। गाइस राजस्थान भी इतना ब्यूटीफुल होगा कभी मैंने सोचा नहीं था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। ये हो रहा है व्लॉग शुरू 7:30 बजे, और वो भी स्विमिंग पूल में। फुल मस्ती चल रही है अभी प्रॉपर्टी में। पहले तो अपना प्लान नहीं था नहाने का, पर कुछ बंदे नहा रहे थे तो उनको देख के फिर अपने को भी चूल लग गई। अब वो तो चले गए और हम रह गए। करते इंजॉय, पूल पार्टी करते हैं थोड़ी देर, फिर जाके रूम में और थोड़ी बहुत एडिटिंग करके सो जाएंगे, और फिर आपको मिलूँगा मैं कल। तो भाई करते हैं थोड़ी सी मस्ती। Shibu, what are you doing, baby? He's dancing. ठंड लग रही है? ठंड लग रही है? भाई नाइट व्यू देख लो अपनी, जो मैंने प्रॉपर्टी बुक करी थी, नाइट व्यू बहुत ही जबरदस्त लग रही है भाई, बहुत ही जबरदस्त। वैसे तो हेरिटेज में नहीं आती, पर हेरिटेज की तरह बना रखी है पूरी। और बाकी मैंने इसके ड्रोन शॉट्स ले लिए थे, कुछ मैं न्यू व्लॉग में भी डाल दूंगा, कुछ मैं डाल दूंगा कल वाले व्लॉग में। तो जाके एक बड़ी चेकआउट जरूर कर लेना भाई, बहुत जबरदस्त ड्रोन शॉट आए हुए हैं। All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe. अभी निकलने का टाइम हो गया, टाइम अपना हो गया 12:45। अब प्रॉपर्टी में से निकल रहे हैं और चेकआउट कर रहे हैं। अब जाएंगे फोर्ट पे, और फोर्ट पे चल के फिर आपको दिखाते हैं फोर्ट। सब कुछ रेडी है, बंदा ले गया सामान। इस चेकआउट कर रहे हैं अभी प्रॉपर्टी से। नीचे का व्यू एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस से जाके यहाँ थोड़ा सा ये बीच में, और अपना रूम था ऊपर। यहाँ लिफ्ट वगैरह लगी है, बहुत अच्छा एम्बियंस था, बहुत अच्छा स्टाफ था। और चेकआउट अपना हो चुका है, बिल वगैरह अपना पे कर दिया। मिलते हैं मैम फिर नेक्स्ट टाइम, फिर से विजिट करेंगे। Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that guys abhi chal rahe hain fort pe, aur fort pe chal ke fir aapko milte hain. Property to humne chhod di, uske baad chalenge Udaipur. गाइस ये पहला गेट है फोर्ट का, गेट का नाम है हल्ला पोल। पोल का मतलब होता है द्वार को बोलते हैं, पोल मेवाड़ भाषा में। इस गेट से फोर्ट जो है ना तकरीबन 1 किलोमीटर रह जाता है अंदर। थोड़ा सा कुंभलगढ़ के बारे में भी बता देता हूँ। कुंभलगढ़ जो है ना पहले दिल्ली जो गाँव से आते हैं तो पहले पड़ता है उदयपुर के 80 किलोमीटर पहले लगभग। अगर हम गुजरात साइड से आते हैं तो मेरे ख्याल से वो उस तरफ से करता हूँ, तो कुंभलगढ़ वहाँ से बाद में करता हूँ। तो उनके बाद अभी हमने सफारी कर ली थी, जो कि 7-8 पॉइंट्स हैं, जो कि हमें पता नहीं थे, हमें तो सिर्फ फोर्ट पता था। तो भैया कह रहे फोर्ट सबसे लास्ट में लेके आएंगे। सबसे पहले कहाँ लेके जा रहे भैया?
कल्पक्ष ट्री, रुद्राक्ष ट्री, तो वहाँ चल के देखते हैं। रुद्राक्ष का पेड़ है जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ। हम लोग निकले थे तो गर्मी थी, अब थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो गया है और वॉइस का शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ी सी हवा चल रही है, वायरलेस माइक उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। राजस्थान भी इतना ब्यूटीफुल होगा कभी मैंने सोचा नहीं था, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई यहाँ। राजस्थान में हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं मनाली घूम रहा हूँ। तो गाइस अभी ये ना मंदिर विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे ये कल्पवृक्ष है, तो इसकी आप पोस्ट करके पढ़ लेना सारी जानकारी। तो ये वृक्ष है उसे बोलते हैं कल्पवृक्ष, ये देख लीजिए। और ये ना मतलब आपकी मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष है, तो हम भी कुछ विश मांग लेते हैं अपने लिए। और ये है जो रुद्राक्ष का पेड़ है भाई, यहाँ पर इस पेड़ पे लगते हैं रुद्राक्ष। अभी कुछ रुद्राक्ष का फल मेरे ख्याल से आया नहीं है, या तो यहाँ पे सफाई कर रखी है अच्छी तरीके से, कुछ रुद्राक्ष यहाँ पे गिरा नहीं हुआ। बाकी देखते हैं कौन सा है रुद्राक्ष, पेड़ पे तो दिख नहीं रहा। हल्का हल्का ये देखिए, ये हल्का हल्का लगा हुआ है रुद्राक्ष, ये मैं फोकस कर देता हूँ। तो ये है गाइस कदम वृक्ष, ये भी लगभग उसी की तरह ही है रुद्राक्ष की तरह, इस पे ऊपर फल आया हुआ है, रुद्राक्ष का फल जैसा होता है ना वैसे ही, और उसके ऊपर थोड़े कांटे वगैरह हैं, इसके बारे में पढ़ लेना, ये मैंने आपको इसमें दिखा दिया। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, चलते हैं बाहर। अब जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम जा रहे हैं वो है मारवाड़, मेवाड़ का व्यू पॉइंट, तो वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाता हूँ क्या व्यू आता है वहाँ से। मेवाड़ मारवाड़ जो है जैसे देखेंगे आप लास्ट हिल के बाद में कुछ अपने को पहले नहीं रहा देखने को मिल रहा है, जो मारवाड़ एरिया है जिस तरफ में जैसे डिस्ट्रिक्ट रहता है पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर वगैरह, और इसी हिल के इस तरफ है जो पूरा मेवाड़ एरिया, मेवाड़ मीन्स पूरा अरावली हिल माउंटेन एरिया, और मारवाड़ जो है डेजर्ट एरिया है। वो दूर पीछे जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना वो सारा मारवाड़ एरिया है। तो अभी हम जहाँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वो है बिटवीन जा रहे हैं अरावली, अरावली हिल्स के बिल्कुल मतलब व्यू है अच्छा। वैसे तो जितना भी हम जहाँ से आए हैं गुड़गांव से जितने भी आपको पहाड़ दिखे होंगे ना सारे के सारे ही अरावली के हैं, पर यहाँ मेन जो रीजन है ना अरावली का वो यही है। तो अभी आपको दिखाते हैं जहाँ पे जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पर भैया बता रहे हैं कि थोड़ा अच्छा पहाड़ का व्यू है। तो गाइस ये है व्यू जो यहाँ पे, ये मतलब 360 व्यू दिखता है आपको माउंटेन्स का। और भाई राजस्थान आते हैं तो सभी लोगों के मतलब जहन में ये चीज़ आती है कि भाई मतलब रेत रेतों के टीले, तो ऐसा नहीं है। देखो ये मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मनाली साइड कहीं पर आ गए हों, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, तो मतलब वो चीज़ नहीं है। दो पहलू हैं, एक ये अरावली हिल्स का है और दूसरा है जो मिट्टी वाला रीजन जो कि भैया ने अभी आपको पहले बताया था हमारे सफारी वाले भैया ने। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज भैरव का मठ, महादेव मंदिर। सो गाइस ये केव आपको दिख रही होगी, ये केव जो है ना ये लेपर्ड की केव है, तो इसके अंदर केव के अंदर लेपर्ड्स होते हैं। और अभी तो देखो गर्मी है इस टाइम नहीं निकलते, मतलब रात को हो सकता है यहाँ पे चलते चलते दिख जाए लेपर्ड। तो ये है केव लेपर्ड की।
महादेव टेम्पल के नाम से है, जो चार मुखी शिव टेम्पल है। और यही जो जगह है जहाँ पे परशुराम भगवान ने अपनी तपस्या वगैरह किया था, और परशुराम भगवान ने यहीं पे तपस्या वगैरह की है, और कर्ण को जो धेनु शिक्षा वगैरह जो दी है परशुराम भगवान ने इसी जगह पे दी है। और इसी के अंदर जाने के बाद में आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, एक छोटा सा कुंड बना हुआ है जहाँ से राजस्थान का बना सिवत का उद्गम स्थल है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब चलते हैं इस मंदिर में और एक बार आपको वो सरोवर दिखा देता हूँ जहाँ से उद्गम स्थल है बनास रिवर का। ये है वो महादेव का मंदिर। मंदिर आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये है वो सरोवर जो भैया ने बताया था आपको हिस्ट्री के बारे में। और यहाँ से स्टार्टिंग होती है बनास रिवर की। अब यहाँ से स्टार्टिंग कैसे होती है ये तो खैर मुझे नहीं पता लग पा रहा, शायद पानी वहाँ से नीचे उतर के जाता हो और कोई रिवर हो। और अच्छी अच्छी मछलियाँ भी हैं यहाँ इसके अंदर, ये देखो तो बहुत ही सुंदर दृश्य आपको मिल रहा होगा देखने के लिए। What I want to make, 'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit.